शर्मा, कैजुअल लेबर पीडीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें जो आउटसोर्सिंग में बेसिस मिली, मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी जो उस चेयर पे बैठी हमें मिली। हम पिछले 10 सालों से एजिटेशन पे थे, लगातार हम रोडों पे निकल रहे थे, लेकिन हमारी मैडम ने हमारी बेसिस दो हमें दी, लेकिन उसमें भी हमारी जो बेसिस है वो 3393 लोग की आई थी, तो उसमें 791 लोग हमारे भाई रह गए हैं। हम चाहते हैं कि उन 791 को भी दी जाए। उनकी वजह रीजन ये था कि एनआईसी पोर्टल साइट बंद होने से वो 791 लोग रह गए। उसके अलावा हमारे 150 साथी और भी रह गए हैं जिनको इसमें नहीं लाया गया। 3393 के अलावा 150 लोग और भी रह गए। हम चाहते हैं कि उनको भी ऐड किया जाए। और हम ये कहते चाहते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? अगर कश्मीर प्रॉमिस के लोगों की ननम ड्यूटी बनने के पहले ही वहां के ऑफिसरों ने डीपीसी कर दी, वो भी हमारे साथ है। आज वो 2300 लोग रेगुलर होने जा रहे हैं, हम हमारे भाई हैं। हम ये नहीं कहते कि वो क्यों हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, हमें भी करना, जैसे वो हो रहे हैं हम भी चाहते हैं हमें उस तरीके से किया जाए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग हैं। लेकिन हम LG गवर्नर साहब से, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, इस पर गौर फरमाए और हमारी जो पेंडिंग बेसिस है, पुरानी लाइबिलिटी है, वो भी क्लियर की जाए। पिछले 7 सालों की हमारी पेंडिंग बेसिस है। हमारे साथ दूसरा विंग असेंडो है, उनकी 2-3 साल की बेसिस दे दी गई और हमें वही 2 महीने की दी। उसमें हमें इन्होंने 2 पार्ट बना दिए, 2583 को दे दी। 791 लोग जो रह गए हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी ये बेसिस दी जाए और जो हमारे 150 लोग रह गए हैं उनको भी इसमें ऐड किया जाए। जय हिंद, जय भारत।